लाइब्रेरी मैडम के पास हमारी छात्र आ गई, पूछो क्या रवैया था मैडम का। मैंने बुरी कार तक नहीं मैडम के पास लेने के लिए, कार तक नहीं मैडम के पास। यहाँ पे आके चाय पीके खाना खाके चले जाते हैं, छात्रों के लिए क्या काम किया? देखो हर जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में बुधवार को उस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया जब कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रिंसिपल का घेराव कर डाला। करीब एक घंटे तक प्रिंसिपल चैम्बर में जमकर हंगामा बरपा। वहीं मामले की भनक लगते ही पुलिस और गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी तुरंत पीजी कॉलेज पहुंच गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बार बार बताए जाने के बावजूद भी पीजी कॉलेज की अव्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जा सका है। उन्होंने कहा कि हालत ये है कि स्टूडेंट को पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। कॉलेज कैंपस में लगाए गए सभी वाटर कूलर गंदगी से भर चुकी है। छात्राओं के वॉशरूम को कुंडे तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज प्रवक्ताओं के छात्र छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार को लेकर भी जमकर हंगामा किया और इस रवैये को बदलने की मांग उठाई है। पीजी कॉलेज के कार्यकारी प्रधानाचार्य सत्यदेव भारद्वाज ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर बात कही गई है, हालांकि कई काम पहले ही मुकम्मल करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यदि अब भी किसी प्रकार की अव्यवस्था कॉलेज परिसर में है तो उसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। मैं एक भी हफ्ते से लगातार, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो, कॉलेज की कुछ समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल महोदय प्रशासन की समक्ष हम लोग आते रहे हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि एक हफ्ता बीत चुका पर कॉलेज प्रशासन के कानों में अभी तक रुजू नहीं रहेंगी। चाहे वो आप पीने वाले पानी की बात कर लो, या फिर आप वॉशरूम की बात कर लो, या पार्क में घास की बात कर लो, हर तरफ से प्रशासन काम करने में नाकामयाब है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टीचरों का जो रवैया है, 11 बजे आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। जितने पीएन है, पीएन आधे से ज्यादा तो इन लोगों ने अपनी सेवा करने के लिए रखे हुए हैं। मेरे पास सीधी बात है क्योंकि बहुत होगी इन लोगों के साथ, अब विद्यार्थी परिषद इसको और सहन नहीं करेगी। 5-5 मिनट बाद बेल मंगा रहे, पानी इनको अंदर आ रहे, इनको कोई लेना देना नहीं कि बच्चे कौन सा पानी पी रहे हैं कौन सा पानी नहीं पी रहे हैं। सो ऐसा कॉलेज का रवैया है। और उसके बाद देखा जाता है कुछ टीचरों का, परसों किसी टीचर को यहाँ पे बोला गया कि गुरुजी आपसे बात करने की, मैं ही था, तो सर का ये रवैया है, सर आगे खड़े होकर जाकर मैं गुरुजी मैं आपको बुला रहा हूँ, तो सर का आगे से ये जवाब था कि बोल यार ऐसे मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उनके डिपार्टमेंट की अगर वीवो की बात करें, मैं कोऑर्डिनेटर वीवो कोऑर्डिनेटर स्वर्ण सिंह की बात कर रहा हूँ, उनके डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वॉशरूम पूरे का पूरा वो भरा पड़ा है। वो क्या हालत है, कोऑर्डिनेटर ये अगर एक वॉशरूम ही साफ नहीं करवा सकता तो वो क्या कॉलेज देखेंगे और क्या डिपार्टमेंट चलाएंगे, मेरा ये सवाल है। और मैं ये आपके माध्यम से प्रशासन को बोल देना चाहता हूँ, अगर ये सब मांगे आज पूरी नहीं हुई तो कल हम लोग पूर्ण शिक्षा बंद करके हम लोग गेट के ऊपर ताले जड़ेंगे, पूरे कॉलेज में ताले जड़ेंगे। सर, इन्होंने सैटरडे को अपना सफाई के संबंध में अपनी मांग रखी थी, तो हमने सफाई के संबंध में जितने सफाई कर्मचारी हैं सबकी ड्यूटीज लगा दी है, रिटर्न में उनके अगेंस्ट निकाल दिया है लिखित रूप से कि आप 3 दिन के अंदर हमें सफाई करके सारा स्वच्छ बाथरूम्स भी और कूलर्स की भी, जो पानी के कूलर्स हैं उनकी भी सफाई करके हमें 3 दिन के अंदर बताओ। तो उम्मीद है कि आज वो हमें उत्तर देंगे और सफाई का अभियान जारी है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कोई कमियां हैं वो शीघ्र ही पूरी करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।